प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर अंकिता राय, प्रवक्ता गणित, राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 11 के गणित विषय के अध्याय 6 रैखिक असमीकरण लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे। बच्चों, यह अध्याय हम 4 भागों में पढ़ेंगे, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। आज मैं आपके सामने भाग 1 लेके प्रस्तुत हूँ, जिसके चर्चा के जो मुख्य बिंदु हैं वो हैं असमीकरण, रैखिक असमीकरण, एक चर राशि की रैखिक असमीकरणों का बीजगणितीय हल प्रयास और भूल विधि द्वारा। बच्चों, हमने पूर्व की कक्षाओं में संख्या पद्धति का विस्तृत अध्ययन किया है, हमने अनेक प्रकार की संख्याएं देखी हैं। चलिए उन संख्याओं को फिर से दोहराते हैं और देखते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, इसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। यह किस प्रकार से परिभाषित होती है? एन इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, ऐसे करके अनंत संख्याएं इसमें आती हैं। अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो 101 एलिमेंट है एन का, लेकिन 0 एलिमेंट नहीं है एन का। एन का एलिमेंट 0 नहीं होता, देखिए यह 1 से प्रारंभ होती है। अब एक दूसरी संख्या आती है, पूर्ण संख्या है, इसे होल नंबर कहते हैं, कैपिटल W से डिनोट करते हैं। इसे किस प्रकार से परिभाषित करें? W इक्वल टू 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। इसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट संख्याएं आती हैं। उदाहरण देखें तो इसमें 101 इज एलिमेंट ऑफ W, 0 इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ W, लेकिन -101 -101 इज नॉट एलिमेंट ऑफ W, यानी ऋण संख्याएं इसमें, ऋणात्मक संख्याएं इसमें नहीं आती हैं। बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, पूर्णांक संख्याएं, इसे कैपिटल I, Z, J द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इसे परिभाषित करते हैं I इज इक्वल टू डॉट 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 -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, इनफाइनाइट तक जा रही हैं। अगर इनके उदाहरण की बात करूँ तो 101 एलिमेंट ऑफ I इंटीजर है, -101, अब ऋणात्मक संख्या भी आ गई, लेकिन क्या भिन्न संख्याएं हैं इसमें? भिन्न संख्याएं इसकी पार्ट नहीं होती हैं, भिन्न संख्याएं इंटीजर्स नहीं होती हैं। अब आगे चलते हैं, परिमेय संख्याओं को देखते हैं, इसे बोलते हैं रेशनल नंबर, कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। अगर ये है इसका गणितीय भाषा में, एक बार मैं पढ़ देती हूँ, उसके बाद तो आपको मैं अपने शब्दों में समझाती हूँ। Q इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू p बाई क्यू, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, पी क्यू एलिमेंट ऑफ i, यानी पूर्णांक हो, q 0 नहीं होना चाहिए। अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ तो वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में निरूपित किया जा सकता है, जहाँ p और q क्या हो, हमारे पूर्णांक हो और q 0 ना हो, वो संख्या परिमेय संख्या होती हैं। अगर उदाहरण की बात करूँ, फिर वही उदाहरण रहती है, हाँ इसमें 101 इज एलिमेंट ऑफ Q, अब माइनस संख्या भी आई, क्यों मैंने इन्हें कहा, क्योंकि 101 बटा 1 कर दे, अगर 101 बटा 1 कर दे तो ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, हो गया। अगर मैं 1/2 कहूँ तो 1/2 भी एलिमेंट ऑफ Q है। अब क्या √3/1 एलिमेंट है क्यू का? नहीं, क्योंकि √3 क्या है, हमारी पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए यह इसका एलिमेंट अवयव नहीं होता है। अब आते हैं अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स, इसे IQ से डिनोट करते हैं। वे संख्याएं जो P बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, यानी अगर सरल शब्दों में कहें, जो परिमेय नहीं होती हैं, वह अपरिमेय संख्या होती है। अभी मैंने दिखाया एक उदाहरण, वो परिमेय नहीं थी, यानी √3 जो है हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब आते हैं वास्तविक संख्याओं पे, रियल नंबर्स कहते हैं, कैपिटल R से डिनोट करते हैं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर जो समुच्चय बनता है, इन दोनों के समुच्चय से जो बड़ा समुच्चय बनता है हमारा, वह होता है रियल संख्याओं का। गणितीय भाषा में लिखते हैं R इज इक्वल टू क्यू यूनियन आई क्यू, यानी अगर इसके उदाहरण की मैं बात करूं तो 101 इज एलिमेंट ऑफ R,
माइनस संख्या भी है, माइनस 101। एलिमेंट ऑफ आर रूट थ्री इज एलिमेंट ऑफ आर, 1/2 की क्या बात करें तो वो भी एलिमेंट है ऑफ आर। इन चीज़ों से हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं बच्चों कि नेचुरल नंबर्स सबसेट ऑफ होल नंबर्स सबसेट ऑफ इंटीजर्स सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स सबसेट ऑफ रियल नंबर, यानी इन संख्याओं में सबसे बड़ा जो संख्या, जो ये संख्याएं सबसे बड़ा जो संख्याओं का समुच्चय है वह वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है जिनमें सभी संख्याएं निहित होती हैं। अब बच्चों हम लोग ने संख्याओं को जान लिया, एक बार हमने दोहरा लिया, अब हम देखते हैं समीकरण क्या होते हैं। अगर मैं एक उदाहरण लिखूं इस प्रकार से 2x + 1 = 5, यह एक समीकरण है। कैसे बोला मैंने, अगर सरल शब्दों में आपको समझाऊं तो जब बाएं पक्ष तथा दाएं पक्ष के बीच में बराबर का चिन्ह हो तो उसे हम समीकरण कहते हैं। बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर का चिन्ह समीकरण होता है। कैसे बोलते हैं, दो बीजी व्यंजकों में बराबर के चिन्ह के प्रयोग से समीकरण का निर्माण होता है। अब आते हैं बच्चों असमीकरण, इनइक्वालिटीज, ऐसे कथन जिनमें लेस देन से कम, ग्रेटर देन से अधिक, लेस देन इक्वल टू से कम या बराबर, ग्रेटर देन इक्वल टू से अधिक या बराबर चिन्ह प्रयुक्त तो होते हैं, इन्हें हम असमीकरण इनइक्वालिटीज कहते हैं। हमने बच्चों पूर्व की कक्षाओं में किसी कथन द्वारा समीकरण का निर्माण किया है, उसे हल किया है, अब हम लोग किसी कथन द्वारा असमीकरण का निर्माण करेंगे। चलिए देखते हैं। रवि 200 रुपए लेकर चावल खरीदने जाता है बाजार। चावल किग्रा के पैकेटों में उपलब्ध है। एक किलो चावल के पैकेट का मूल 30 रुपए है। यहाँ तीन चीज़ें दी हुई हैं बच्चों। पहली बात कि वो 200 रुपए लेकर मार्केट जा रहा है, यानी कुछ खरीदने जा रहा है। चावल चावल जो है पैकेटों में ही उपलब्ध है, यानी एक एक किलो के पैकेटों में ही उपलब्ध है, खुले चावल उसको नहीं मिलेंगे। तीसरी बात कि एक पैकेट चावल का मूल्य जो है वो 30 रुपए है। मान लेते हैं, माना रवि द्वारा खरीदे चावल पैकेटों की संख्या मान लेते हैं एक्स है, एक्स पैकेट पर खरीदता है, एक पैकेट का दाम हमें पता है 30 रुपए, तो खर्च की गई धनराशि क्या हो जाएगी 30x हो जाएगी। अब बच्चों क्या वह 200 रुपए पूरा खर्च करके आ पाएगा? जब हम 30 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 30 छक्के 6 बार भी जब जाते हैं 30 छक्के 180 आता है, 30 सत्ते 210 आता है, 210 हमारा क्या है 200 से अधिक है, यानी 30 छक्के, छक्के का कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो 6 पैकेट वो खरीद सकता है, सातवां पैकेट उसके पास जो पैसा है उससे अधिक हो जाएगा, यानी वो सातवां पैकेट नहीं खरीद सकता। मैक्सिमम की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ तो बताया नहीं, लेकिन मैं आपको मैक्सिमम दिखाना चाहती हूँ। अगर मैक्सिमम भी वो 200 रुपये में चाहे तो 6 ही पैकेट खरीद सकता है, 6 से अधिक वो नहीं खरीद सकता है, यानी वह जितने भी पैकेट खरीदता है वह उसका दाम जो है 180 रुपए से ज़्यादा के नहीं, 180 रुपए ही होगा मैक्सिमम, यानी 200 रुपए का तो वो नहीं खरीद पा रहा है, यानी यहाँ पर क्या है 30x इज लेस देन 200, क्योंकि 200 30 द्वारा विभाजित नहीं है तो बराबर नहीं हुआ, और हमने देखा कि वो मैक्सिमम पैकेट भी खरीदा तो 180 रुपए में वो आ जा रहा है, तब भी 20 रुपए उसका बच जा रहा है, इसलिए यह असमीकरण इस प्रकार से बनती है। चलिए दूसरी देखते हैं। रेशमा के पास 120 रुपए है, जिससे वह कुछ रजिस्टर व पेन खरीदना चाहती है। एक रजिस्टर का मूल्य 40 रुपए और एक पेन का मूल्य 20 रुपए है। मान लेते हैं कि रेशमा द्वारा खरीदे गए रजिस्टर की संख्या क्या है एक्स है तथा उसके द्वारा खरीदे गए पेन की संख्या वाई है। अब कुल धनराशि कितनी उसने खर्च की? एक रजिस्टर का दाम 40 रुपये है, 40x उसने खर्च किया रजिस्टर खरीदने में, और एक पेन का मूल 20 रुपये, यानी 20y उसने खर्च किया पेन खरीदने में। दोनों को मैंने जोड़ दिया, यानी यह कुल धनराशि उसके द्वारा व्यय हुई। अब यह धनराशि 120 के बराबर या उससे कम होगी, देखते कैसे, क्योंकि अधिक क्या तो दुकानदार उसको सामान ही नहीं देगा, अधिक की तो सोचना ही नहीं है, अधिक या बराबर की भी नहीं सोचना। इसी प्रकार अब देखते हैं कौन सी यहाँ पे
असमिका लगेगी, कौन सा चिन्ह लगेगा, लेस देन या लेस देन इक्वल टू। अलग अलग तरीके से देखते हैं, जैसे मान लीजिए वह बाजार जाती है और दो पेन खरीदती है तथा दो रजिस्टर खरीदती है, यानी x बराबर दो और y बराबर दो। इस स्थिति में इसका मान क्या होगा, 40 इंटू टू प्लस 20 इंटू टू बराबर ये 80 धन 40 120 रुपये, यानी उसने टोटल पैसे इस दशा में वो कुल पैसे खर्च कर देगी। मान लेते हैं कि वह एक पेन खरीदती है, एक रजिस्टर खरीदती है, x बराबर 1 y बराबर 1, तब क्या होता है, 40 इंटू 1 प्लस 20 इंटू 1 यानी 40 धन 20 यानी 60, जो क्या है 120 से कम है, यानी इस दशा में अगर वो एक रजिस्टर और एक पेन खरीदती है तो उसका पैसा बच जाएगा, यानी 60 रुपये में उसका काम चल जाएगा। हमने दोनों परिस्थिति देखी, लेकिन हम अनुमान तो नहीं लगा सकते ना, हम तो ये यहाँ पे वो क्या करती है ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी हमने ये एक अंदाज़ा लगा लिया कि वो चाहे तो कुल धनराशि भी खर्च कर सकती है, चाहे तो कम में भी अपना काम चला सकती है। यानी अगर हमारी असमिका बनेगी तो किस प्रकार से बनेगी, दिस इम्प्लाइज दैट 40x प्लस 20y इज लेस देन इक्वल टू 120, यह हमारी असमिका बनेगी। अब आते हैं इसी से एक और असमिका की परिभाषा निकल कर आती है, एक असमिका दो वास्तविक संख्याओं या दो विजीय व्यंजकों में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू के चिन्ह के प्रयोग से बनती है। कहने का अर्थ क्या है कि अगर कोई असमिका है तो उनमें उन असमिकाओं में यही चार चिन्ह होंगे, इसके अलावा कोई चिन्ह नहीं होगा, यही चार चिन्हों में से कोई एक चिन्ह होगा तो हमारी असमिका का निर्माण होता है। सांख्यांक असमिका, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज, ऐसी असमिका जिनके दोनों पक्ष में क्या हो, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों पक्ष में संख्या हो, उसे सांख्यांक कहते हैं। उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं 2 इज लेस देन 5, यह भी संख्या है, यह भी संख्या है, यह एक सांख्यांक असमिका का उदाहरण है। शाब्दिक चारांक असमिका, लिटरल इनइक्वालिटीज, ऐसी असमिका जिसमें कम से कम एक पक्ष में कोई चर हो, कम से कम दोनों पक्ष में कोई बात नहीं, कम से कम एक पक्ष में एक चर हो, तो उसे हम कहते हैं चारांक या शाब्दिक असमिका। उदाहरण द्वारा x इज लेस देन 5, ये एक चर आ गया, चारांक असमिका बन गई। द्वि असमिका, इसे एक उदाहरण समझते हैं, x इज ग्रेटर देन 2, x इज लेस देन 5, दो असमिकाएँ हैं, इन दो समीकरणों को अगर मिला के मैं लिखूं तो x इज ग्रेटर देन 2 लेस देन 5, यह हमारी एक असमिका बनी जो दो असमिकाओं से मिलकर बनी है। इस प्रकार की असमिका को हम कहते हैं द्वि असमिका, डबल इनइक्वालिटीज। अब आगे आते हैं असमिकाओं के कुछ अन्य उदाहरण। सुनिश्चित असमिका, ऐसी असमिका जिनमें केवल दो चिन्हों का प्रयोग होता है, या तो लेस देन या ग्रेटर देन, इन्हीं चिन्हों का प्रयोग होता है, उन्हें कहते हैं सुनिश्चित असमिकाएं। एग्जाम्पल में लिखना चाहूँ तो लिख सकती हूँ x प्लस 5 लेस देन 0, यह एक सुनिश्चित असमिका है। असमिकाएं, स्लैक इनइक्वालिटीज, ऐसी असमिकाएं जिनमें लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू चिन्ह प्रयुक्त हुआ, या तो ये प्रयुक्त हुआ हो या तो ये प्रयुक्त हुआ हो, इसे हम कहते हैं स्लैक इनइक्वालिटीज। उदाहरण के रूप में x प्लस 5 वही है, बस मैंने ये कर दिया, तो ये अब क्या बन गई, स्लैक इनइक्वालिटीज बन गई। एक चर राशि की रैखिक असमिका है, लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल, ऐसी असमिका जिनमें एक चर राशि हो, या ऐसी रैखिक असमिका जिनमें एक चर राशि हो, उसे हम कहते हैं एक चर राशि की रैखिक असमिका। अगर उदाहरण में लिखना चाहूँ तो उदाहरण लिख सकती हूँ x प्लस 5 इज लेस देन 0, इसमें एक चर है x और रैखिक है, हो गया। अगर मैं इसे व्यापक रूप में लिखना चाहूँ तो लिख सकती हूँ ax प्लस बी इज लेस देन 0, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0, a को 0 नहीं होना चाहिए, ax प्लस बी इज ग्रेटर देन 0, सेम चीज़, क्योंकि चार चिन्ह होते हैं तो चार प्रकार से लिखी जा सकती है, ax प्लस बी लेस देन इक्वल टू 0, वही बात, a इज नॉट इक्वल टू 0, ax प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब आते हैं दो चर राशियों की रैखिक असमीकरण, लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। ऐसी रैखिक असमीकरण जिनमें दो वेरिएबल हों उसे कहते हैं दो राशि की रैखिक असमीकरण। अगर उदाहरण में देना चाहूँ, लिखना चाहूँ, एक्स प्लस वाई प्लस फाइव इज लेस देन जीरो, यह एक उदाहरण है हमारी दो चर राशियों की रैखिक असमीकरण का। अगर मैं व्यापक रूप में लिखना चाहूँ तो लिख सकती हूँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज लेस देन जीरो, जहाँ ए और बी नॉट इक्वल टू जीरो। ए और बी दोनों को जीरो नहीं होना चाहिए। चिन्ह चार प्रकार के यूज होते हैं असमीकरण में, तो ये भी चार प्रकार की होगी। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन जीरो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन इक्वल टू जीरो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सभी में क्या होगा, ए और बी को जीरो नहीं होना चाहिए। अब आते हैं बच्चों एक चर राशि की द्विघाती असमीकरण, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। ऐसी असमीकरण जिनमें एक चर हो और उस चर पे दो घात हो, उदाहरण लिखूं मैं तो लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज लेस देन जीरो। एक चर है एक्स और एक्स पर जो मैक्सिमम घात है, अधिकतम घात है, वह दो है, इसलिए यह एक चर राशि की द्विघाती असमीकरण है। अगर मैं व्यापक रूप में लिखना चाहूँ तो व्यापक रूप में लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज लेस देन जीरो, जहाँ यहाँ इम्पॉर्टेंट है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। ए जीरो नहीं होना चाहिए, बी जीरो हो सकता है, ए जीरो नहीं होना चाहिए। चिन्ह असमीकाओं में चार प्रकार की होते हैं, तो ये भी चार प्रकार से लिखी जा सकती है। ग्रेटर देन के लिखी जा सकती है, लेस देन इक्वल टू के लिए लिखी जा सकती है, और ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए चार प्रकार से ये चीज़ लिखी जा सकती है, जहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब आते हैं बच्चों रैखिक समीकरणों को हल करने के नियम। हमने रैखिक समीकरण बनाए हैं, हल किए हैं, एक बार उन नियमों को दोहरा लेते हैं। नियम वन जो हम लोग फॉलो हमेशा करते हैं वो है, एक रैखिक समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्याएं जोड़ी या घटाई जा सकती हैं। नियम दो जो है, एक रैखिक समीकरण के दोनों पक्षों में शून्येतर संख्याओं से गुणा अथवा भाग किया जा सकता है। यह हमने रैखिक समीकरणों को जब हम सॉल्व करते थे तो यह नियम हम फॉलो करते थे, पालन करते थे। अब देखते हैं कि असमीकरणों को जब हम हल करते हैं तो किन नियमों का पालन करते हैं। बच्चों मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊंगी, फिर नियम को बताऊंगी। मैं एक असमीका लिखती हूँ, सांख्यांक असमीका लिखती हूँ, यह एक सांख्यांक असमीका का उदाहरण है। इसी पे सारी बात करते हैं, सारी नियमों को देखते हैं। दोनों पक्षों में किसी समान संख्याओं को जोड़ते हैं, देखते क्या है, दो को दोनों पक्षों में जोड़िए, यानी 2+2 करिए और 6+2 क्या होता है, 4 होगा, ये 8 हो जाएगा। हमारी असमीका का चिन्ह जो था नहीं बदला, उसके उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब घटा के देखते हैं, दो घटा देते हैं, 2-2 6-2 देखिए 0 और ये हो गया 4। हमारे असमीका के चिन्ह पर अभी भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब गुणा करके देखते हैं, पहले धनात्मक संख्या का गुणा करके देखेंगे, फिर ऋणात्मक संख्या का गुणा करके देखेंगे। धनात्मक का गुणा करते हैं, दो का ही गुणा कर लेते हैं दोनों में, 2 × 2 6 × 2 4 है ये और ये 12 है, यानी धनात्मक संख्या के गुणा करने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब भाग दे के देखते हैं, दोनों पक्षों में हम 2 से भाग दे देते हैं, 2/2 6/2 या क्या होगा, 1 < 3 सही है, यानी धनात्मक संख्याओं के गुणा या भाग से कोई प्रभाव नहीं पड़ा हमने देखा। अब ऋणात्मक संख्या से देखते क्या होता है, इसी में मैं -2 से अब गुणा करती हूँ, 2 × -2 6 × -2 क्या -4
छोटा होता है माइनस 12 से? नहीं, बड़ा होता है। यानी हमने देखा कि जब हमने किसी असमिका के दोनों पक्षों में किसी ऋणात्मक संख्या से गुणा किया तो असमिका का चिन्ह, जो असमिका ऐसी थी अब वो ऐसी हो गई, चिन्ह परिवर्तित हो गया उसका। इसी तरह हम भाग करेंगे तब भी देखेंगे कि असमिका का चिन्ह क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। यही है जो असमिका को हल करते समय इन्हीं नियमों का हमें पालन करना होता है। चलिए उन नियमों को पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। पहला नियम जो है, एक असमिका के दोनों पक्षों में असमिका के चिन्हों को प्रभावित किए बिना समान संख्याएं जोड़ी या अथवा घटाई जा सकती है। अभी मैंने दिखाया किस प्रकार से जोड़ी जा सकती है, किस प्रकार से घटाई जा सकती है। नियम दो, किसी असमिका के दोनों पक्षों में समान धनात्मक संख्याओं से गुणा या भाग किया जा सकता है धनात्मक संख्याओं से, परंतु दोनों पक्षों को समान ऋणात्मक संख्याओं से गुणा या भाग करते समय असमिका के चिन्ह तद अनुसार परिवर्तित कर दिए जाते हैं। मैंने जो एग्जाम्पल अभी लिया था उसमें लेस देन का था, और मैंने देखा जैसे ही मैंने ऋणात्मक संख्या का मैंने गुणा की, जैसे ही मैंने ऋणात्मक संख्या का गुणा किया, लेस देन का जो चिन्ह है वह ग्रेटर देन का चिन्ह बन गया। इसी प्रकार से अगर यह चिन्ह है तो यह चिन्ह हो जाएगा, यानी आपस में यह परिवर्तित होता है, यह ऐसे परिवर्तित हो जाता है, यह इस प्रकार से परिवर्तित हो जाता है, यह इस प्रकार से परिवर्तित हो जाता है, यह इस प्रकार से परिवर्तित हो जाता है। कब होता है? जब हम ऋणात्मक संख्या से भाग या गुणा करते हैं तब। इन्हीं नियमों का बच्चों हम ध्यान रखते हैं जब हम किसी असमिका को हल करते हैं। बच्चों इसी के साथ हमने असमिका बनाना, असमिका को हल करने के नियम देख लिए। अब हम जान ले कि असमिका को हल कैसे करते हैं। चलिए, एक चर राशि के रैखिक असमिकाओं का बीजगणितीय हल, एल्जेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल, प्रयास और भूल विधि द्वारा, बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। पहले जान ले हल क्या होता है। एक चर राशि के किसी असमिका का हल चर राशि का वह मान है जो एक सत्य कथन बनाता हो, यानी चर राशि का वह मान जिसके लिए असमिका सत्य रहे हमारी, वही उसका हल होता है। चलिए एक उदाहरण, प्रयास और भूल विधि द्वारा एक उदाहरण को सॉल्व करते हैं और इसे समझते हैं। उदाहरण दिया हुआ है 24x is less than 100, x एक प्रकृति संख्या के लिए हल कीजिए। यहाँ पे दे दिया है बच्चों कि पहली बात तो 24x हमारा 100 से कम होना चाहिए x, और x का वही मान रखते हैं जो प्रकृति हो। तो प्रयास और भूल विधि में हम लोग क्या करते हैं, x का मान रखते जाते हैं और देखते हैं कब हमारा कथन कब सत्य है, जैसे ही असत्य होता है वहीं पर रुक जाते हैं। चलिए करके देखते हैं। यहाँ पर दे दिया है x प्रकृति संख्या है, यानी x बराबर 1 से स्टार्ट करेंगे हम। इसमें हल दिया है 24x, x इज लेस देन 100, ये दिया है इक्वेशन वन। अब इक्वेशन वन में x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखेंगे तो क्या होगा, देखिए 24 × 1 = 24, ये क्या होता है 100 से छोटा होता है, यानी कथन हमारा भी क्या है, सत्य है। अब x बराबर 2 रखें, x बराबर जब 2 रखेंगे तो 24 × 2 होगा जो 48 होता है, इसमें भी क्या है वो 100 से 100 से छोटा होता है, हमारा कथन क्या है अभी भी सत्य है। अब x बराबर 3 रखते हैं, जब 3 रखते हैं तो 24 × 3 यानी 72 होता है, वो भी क्या होता है 100 से छोटा होता है, हमारा कथन क्या है अभी भी सत्य है। x बराबर 4 रखते हैं, 4 = 24 यानी 96 होता है, अभी भी हमारा यह 96 जो होता है 100 से छोटा होता है, कथन हमारा क्या है
सत्य है। x बराबर 5 रखते हैं, x बराबर 5 रखने पर 24 गुणे 5 आएगा जो 120 होता है। क्या 120 छोटा होता है 100 से? नहीं, हमारा कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। यानी यहीं पे हमको रुक जाना है। यानी अभी हम मैंने बताया कि चर राशि का वह मान जो समीकरण को सत्य बनाए, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर, यही वो मान है जो हमारे समीकरण को सत्य बनाए थे। x बराबर 5 असत्य कर दिया था, यानी असमीका का हल क्या हो गया? असमीका का हल बराबर 1, 2, 3, 4। हमने यहाँ पे x बराबर 1 से क्यों शुरू किया था? क्योंकि यहाँ दे दिया था x एक प्रकृति संख्या है। अगर हल समुच्चय की बात करें तो हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4। हल समुच्चय इस प्रकार से होगा। बच्चों, अभी हमने इस क्वेश्चन का हल देखा और हमने प्रयास और भूल विधि से प्रश्न का हल देखा। अब मैं उसी पर आधारित आपको दो गृह कार्य मैंने दिया है। प्रयास और भूल विधि से इन दोनों प्रश्नों को आप हल करेंगे। जब x एक प्रकृति संख्या है और जब x एक पूर्ण संख्या है। प्रकृति संख्या है तो क्या होगा, x बराबर 1, 2, 3 से स्टार्ट करेंगे, और जब पूर्ण संख्या रहेगी तो पूर्ण संख्या अभी बताया था मैंने 0, 1, 2, तो x बराबर 0, 1, 2 से स्टार्ट करेंगे। कोशिश करेंगे घर पे करने की और से और समझने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ बच्चों, हमारा जो भाग एक था रैखिक असमीकाएँ का ख़त्म होता है। अब मैं आपको भाग दो में और आगे बताऊंगी, बीजगणितीय हल बताऊंगी दूसरे माध्यम से तथा उनका आलेखीय निरूपण भी बताऊंगी, किस प्रकार हम उसको रियल लाइन पे दिखा सकते हैं, दिखाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। इसी के तहत यह भाग ख़त्म होता है।